हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि हम ब्लॉगिंग से कितना अर्निंग करते हैं, हमारी मंथली अर्निंग क्या है और अब तक हमने यहाँ से कितना अर्निंग किया है, हमने वेबसाइट को कब क्रिएट किया है और कैसे क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया था, मेरे मन में क्या हुआ था, ये सब सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ सबसे पहले उठा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। इस वीडियो के बीच में ही दोस्तों आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारी ब्लॉग से मंथली अर्निंग क्या है और हम यहाँ से अब तक कितना अर्निंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम ब्लॉगिंग में कैसे आए। तो जब हम YouTube चैनल को यहाँ पे क्रिएट किए थे तो बहुत लोग मुझसे बोलते थे, भाई आपने वेबसाइट को क्रिएट नहीं किया, हर एक यूट्यूबर के पास वेबसाइट होता है तो आप भी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कीजिए। लेकिन मुझे मन नहीं करता था कौन पोस्ट लिखेगा। फिर मेरे अंदर चाहत जागा और मैंने यहाँ पे फाइनली वेबसाइट को क्रिएट किया ब्लॉगर पे। और वहाँ पे दोस्तों हम यूज़ कर रहे थे blogger.com, 7 से 8 दिन ही हमने वहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद हमने कस्टम डोमेन ले लिया। कस्टम डोमेन लेने के बाद उसे रिडायरेक्ट करने के बाद वहाँ पे 10-15 पोस्ट वहाँ पे पब्लिश कर दिए। पब्लिश करने के बाद दोस्तों उसे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। अब हम बात करते हैं, अप्रूवल तो मुझे मिल गया था, लगभग हम वेबसाइट को बिल्ड करते करते 20 दिन लगा दिए थे। उसके बाद दोस्तों मुझे अप्रूवल मिल गया था और वहाँ पे ऐड वगैरह भी आ रहा था, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही थी क्योंकि दोस्तों साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा था और नया साइट था, वहाँ पे विजिटर भी बहुत कम आते थे, इसीलिए वहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि भाई एडसेंस का भी अप्रूवल मिल गया लेकिन यहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही है, दिन भर में $1 भी नहीं होती थी। लगभग 20-25 दिन के बाद वहाँ पे मुझे $5 देखने को मिला हमारे एडसेंस अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों मेरे अंदर थोड़ा चाहत जागा कि भाई सही में ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होती है। जब वहाँ पे हमने CPC वगैरह देखा तो अच्छा मिल रहा था, तो मेरे अंदर चाहत जागता चला गया और वहाँ पे हम पोस्ट करते चले गए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारे साइट के ऊपर ट्रैफिक भी आने लगा और जब हम उसमें कंटिन्यू पोस्ट वगैरह पब्लिश करने लगे, लगभग वहाँ पर हमने 40-50 पोस्ट लगभग 1 से 1.5 महीना के अंदर वहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया, तो देखा कि वहाँ पे ट्रैफिक आने लगा और अर्निंग होने लगी। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 3 महीना निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। 3 महीना तक दोस्तों हमने कोई भी पे आउट नहीं लिया और 4th महीने में दोस्तों मुझे जो पे आउट मिला था उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 4th महीने में दोस्तों मुझे पे आउट मिला था, लगभग $117 था, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, $117 कुछ होगा तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन $117 मुझे याद है। $117 मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई वेबसाइट में तो मुझे पेमेंट मिल गया लेकिन यूट्यूब चैनल से कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा है। भाई इतना मेहनत करते हैं, वीडियो डालते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने लगा और वहाँ पर हमने कंटिन्यू पोस्ट वगैरह पब्लिश करना शुरू कर दिया और लोग वहाँ पे आने लगे। दोस्तों होता क्या है कि एडसेंस के साथ अगर आप काम करते हैं तो एडसेंस किस चीज़ का पैसा देता है सबसे पहले जान जाइए। वहाँ पे अगर विजिटर आते हैं तो किसी भी ऐड के ऊपर जब तक नहीं क्लिक करेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी, यानी ऐड देखने का पैसा नहीं के बराबर मिलता है, इतना कम मिलता है कि उसको ना के बराबर में ही गिना जाए। कहने का मतलब है कि जैसे media.net के ऊपर आपको ऐड देखने का पैसा मिलता है, उस तरह से यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस में ऐड देखने का पैसा नहीं मिलता है। जब तक नहीं ऐड के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तब तक अर्निंग नहीं होगी। तो वहाँ पे दोस्तों 3 महीने के बाद मुझे यहाँ पे अपने एडसेंस अकाउंट में दिखने लगा कि 15-20 क्लिक हो जाता था पर डे, तो इसी हिसाब से $1-2-3 तक लगभग बन जाता था और हमारे साइट के ऊपर US वगैरह से भी ट्रैफिक आने लगा। इंडिया से उस टाइम हमारे साइट के ऊपर लगभग 80% ट्रैफिक था और 20% पूरे वर्ल्ड से था, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया और उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्री थी, सबसे आ रहा था मिला जुला करके। तो वहाँ पे दोस्तों हो जाता था, थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा था तो मेरे अंदर चाहत जागता चला गया और हम यानी पोस्ट वगैरह अपने ब्लॉग पे करने लगे। तो धीरे धीरे जैसे दोस्तों यहाँ पे 5-6 महीना जैसे गुजर गया तो हमारे साइट के ऊपर बहुत अधिक ट्रैफिक आने लगा, लगभग दिन भर में 150-200 क्लिक होने लगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 200 क्लिक जब होने लगा तो कितना अर्निंग होगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम वर्क करना शुरू कर दिए और ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगे और वहाँ पे यूनिक पोस्ट सब हम क्रिएट किए और वहाँ पे अपना टैलेंट को भी हमने दिखाया। जिस हिसाब से वो दोस्तों अगर आप लोग अपने पोस्ट
के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका पोस्ट यहाँ पे रैंक करेगा। हमारा पोस्ट देखिए दोस्तों क्यों रैंक करता है, सबसे पहली बात जान जाइए कि हम एक पोस्ट को पब्लिश करने में कम से कम हम सिर्फ पब्लिश करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो कम से कम हम 1 घंटा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सारा चीज़ हम मैनेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे हम सारा चीज़ मैनेज करते हैं, कंटेंट को अच्छे तरीके से सजाते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ लिखते हैं, और उसके बाद कस्टम यूआरएल के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, भाई इस तरह का यूआरएल देंगे तो ये जल्दी आएगा सर्च में या नहीं आएगा, तो उस तरह से हम यहाँ पर सोचते हैं। सोचने के बाद तभी हम पब्लिश करते हैं, और लगभग 10 दिन के बाद हमारे पोस्ट के ऊपर विजिटर आना शुरू हो जाते हैं। वो भी दोस्तों डायरेक्टली गूगल से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो ट्रैफिक जो होता है वो गूगल से ही होता है, और थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब से नहीं मिलता है, लेकिन यूट्यूब से भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर विजिटर जो आते हैं, और सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमारा डोमेन कोई भी सर्च करता है, यानी हमारे चैनल का कोई भी नाम सर्च करता है, तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेस्क जैसे लिखेगा तो वहाँ पे टिप्स इसराइल आपको दिख जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, गूगल के सर्च बार में जाके सर्च कीजिएगा, टेक्नोलॉजी लिखिए, स्पेस मारिए, टिप्स इसराइल आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर या 2 नंबर के ऊपर। यानी हमारा कीवर्ड बेहतर तरीके से गूगल में रैंक कर रहा है, तो विजिटर तो आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे विजिटर आने लगे, और दूसरा महीना में दोस्तों जो हमारी अर्निंग हुई $400 कुछ हुआ। उसके बाद दोस्तों हम उसके ऊपर यानी बहुत खुशी हुई मुझे भाई, कि भाई इतना सारा अर्निंग होता है ब्लॉग से। मामूली सा एक ब्लॉग है सिर्फ, उसमें आपको आर्टिकल पब्लिश करना है, किसी तरह का मेहनत नहीं है। वीडियो में तो इतना बकबक बकबक करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पोस्ट को पब्लिश करना है, और यानी ऐसा पोस्ट पब्लिश करना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अगर दोस्तों आपके पोस्ट से लोगों को फ़ायदा होता है तो आपके वेबसाइट के ऊपर बार बार आएंगे, और हमारा जितना ये पोस्ट होता है लगभग दोस्तों यहाँ पे यूज़फुल है। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और अच्छा लगता है, कॉमेंट भी करते हैं। तो दूसरा महीना हमारा इतना आया, उसके बाद तीसरा महीना भी हमारी अर्निंग लगभग $300 साढ़े 300 के आसपास हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे 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 कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो रिसेंटली जैसे देख सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल से जो अर्निंग हुई थी कट हुई थी, CPC वगैरह कम चल रहा था, तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ भी पिछले महीने में हुआ क्या है कि वेबसाइट की भी CPC लो है। जो इंडिया के IP से मिलता था 0.05 से 0.20 तक CPC मिलता था, अगर दोस्तों मोबाइल से कोई क्लिक करता है तो 0.2 से 5 के बीच में मिल जाता है। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई एक्सेस करता है, अगर उस ऐड के ऊपर कोई क्लिक कर देता है, तो सीधा सीधी 0. आपको 1.5 से 0.25 तक आपको CPC मिलने का चांस होता है। और दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड के ऊपर भी काम करते हैं हम, देखते हैं पहले कौन सा कीवर्ड यानी CPC जिसमें अधिक होता है वही कीवर्ड को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, कि हमारे साइट के ऊपर हाई CPC ऐड हमेशा देखने को मिले, यानी कोई भी ऐड के ऊपर क्लिक हो तो मुझे CPC हाई मिले और हमारी अर्निंग भी हो। तो इसी तरह से यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर हम वर्क करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि लोग हमसे बराबर पूछते थे, हर दिन 2-4 कॉमेंट में, हम तो 2 वीडियो 3 वीडियो डाल देते हैं पर डे, लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं होता है भाई कि जिसमें लोग नहीं पूछते हैं कि भाई इसराइल भाई आप बताइए ब्लॉग से कितना अर्निंग करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। अगर आप लोग हिम्मत हार चुके हैं तो आप लोग भी आगे बढ़िएगा हमारे साथ, ऐसा दिन आएगा कि हमसे भी आगे चले जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हम भी एक इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप जो सोचते हैं वो हम नहीं सोच सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो आप नहीं सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमसे आगे नहीं सोच सकते, हमसे आगे भी सोच सकते हैं, जो जहाँ पर हमारा दिमाग नहीं जाता है उसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा चाहत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए कि इस महीने में जो मुझे पे आउट मिला है कितना मिला है और कैसे मिला है और कितना मिलना चाहिए था, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। इस महीने में दोस्तों वही हुआ है, CPC यहाँ पे लो चल रहा था, जिसके वजह से वेबसाइट के द्वारा जो हमारी अर्निंग होती थी तो वहाँ पर भी कम हो गया, कहने का मतलब है कि बहुत कम हो गया। तो इस महीने में मुझे पे आउट मिला है $170, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए $170 के आसपास मुझे इस महीने में पे आउट मिला है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके सारे सवाल का जवाब दिया। बहुत लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इसराइल भाई बताइए आप वेबसाइट से कितना कमाते हैं, इधर से कितना कमाते हैं, उधर से कितना कमाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में आपको सारे सवाल का जवाब दे दिया। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक
करें और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।